वो सन्नी सन्नी है यानी पात पात है, वो सन्नी पात करते हैं यानी साथ बैठने का काम करते हैं, साथ बैठने की चर्या करते हैं। सन्नी पात बाहुल यानी बहुत सारे लोग साथ साथ बैठे हुए हैं, चिपके हुए बैठे हुए हैं। ये जिक्र जब आता है और सन्निकट बैठने की बात आती है तो सन्निकट शब्द आज भी चलता है। कट माने होता है क्रिया और सन्नी माने पास, सन्निकट सन्निकट यानी कि पास आने की चर्या, पास आने का कृत, पास आने का कार्य। इसलिए वो जो पास आने का, पास बैठने का कार्य है उसको समझना चाहिए। उसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप धम्मपद पढ़ेंगे या बुद्ध की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आता है एक बार कि एक राजा जो चाहता है कि दूसरे राज्य को वो जीत ले, वज्जी नाम का राज्य है उसको जीत ले, और उसको जीतने के लिए जब वो युद्ध करता है तो हार जाता है। ना वहाँ सेना है ना वहाँ टेंड लोग हैं, पर जब भी युद्ध करता है हार जाता है। कई बार हार गया तो परेशान हो गया कि कारण क्या है, तो अपने एक सिपाही को भेजता है, सेनापति को भेजता है कि जाओ बुद्ध बहुत ज्ञानी है उनसे पूछो कि मैं क्यों हारता हूँ। तो बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध से पूछता है कि क्यों हारते हैं जब भी वो वहाँ युद्ध लड़ते हैं। तो बुद्ध युद्ध की बात नहीं करते पर सवाल पूछा है जवाब बताते हैं। जैसे समर संघ से कोई भी व्यक्ति कहीं का भी कोई सवाल कभी भी पूछ ले। अभी नागपुर के अंदर जो 14 तारीख को संगति लगेगी उसमें ओपन इन्विटेशन है, खुला निमंत्रण है सभी के लिए। कोई जितने भी लोग हैं नागपुर के, जितने भी बुद्धिजीवी नागपुर के हैं और आसपास के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूरे इंडिया के हैं, कोई सा भी सवाल कैसा भी सवाल संघ से करें जवाब मिलेगा। वैसे ही बुद्ध से कोई भी सवाल करता था तो जवाब जरूर मिलता था, क्योंकि उनके पास सारे सवालों के जवाब थे, क्योंकि वो बोधिसत्व थे, वो बुद्ध थे, वो बोध हो चुका था उनको। इसलिए वो आनंद को कहते हैं कि आनंद, वो जो लोग हैं वज्जी वो इसलिए नहीं हार सकते क्योंकि वो सात कार्य करते हैं। सात अपरिहार यानी कि हार से परे, जिनकी हार नहीं हो सकती, अजय, सात काम करते हैं। जब तक वो सात काम करते रहेंगे तब तक वो हार नहीं सकते, वो अजय रहेंगे। उन सात कामों में एक काम ये भी है कि वो सारे के सारे सात दिन में एक बार सन्निपात बाहुल करते हैं, यानी एक साथ बैठते हैं, सुख दुख बांटते हैं, व्यापार की बात करते हैं, जन जंगल जमीन की बात करते हैं, रिश्ते नातों की बात करते हैं, हारी बीमारी की बात करते हैं, पुरानी जो यादें हैं उनकी बात करते हैं, अपने बुजुर्गों के जो कारनामे उनको याद करते हैं, अपने बच्चों को उनको सिखाते हैं, उनको संस्कार देते हैं। ये सारे काम वो करते हैं, अपनी महिलाओं की इज्जत करते हैं और अपना अपना खाना लेके आते हैं और अपना अपना हथियार वाला डंडा, सत्तक दंड, बाद में तो तलवार हो गई, भाले हो गए, त्रिशूल हो गए, सत्तक दंड लेके आते हैं। और उनके इकट्ठे होने से एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होती है और उस ऊर्जा से पैदा होने से उनमें जोश आता है, और उनमें जोश आता है तो उनमें एक भाईचारे की, एक इकट्ठे होने की और एक एहसास पनपता है उनके अंदर कि वो बहुत बड़ी शक्ति है और वो अकेले नहीं है। इसलिए अकेला भी अगर व्यक्ति कोई जाता है जो संघ में रहता है, सन्निपात बाहुल करता है, तो उसे डर नहीं रहता। सात दिन बाद तो फिर इकट्ठे होंगे, कोई समस्या आएगी तो वहां सॉल्व हो जाएगी, इसलिए वो डरते नहीं, इसलिए वो घबराते नहीं, ये ताकत उनको मिलती है। इसलिए वो राजा युद्ध जब उन पर करता है पर वो सारे लोग इकट्ठे रहते हैं और इकट्ठे होकर वो एक साथ हमला बोलते हैं। सेना क्या है, सेना तो थोड़ी सी होती है, क्योंकि किसी देश के अंदर जो सेनाएं होती हैं उनका काम ही ये बताया जाता है कि वो लड़ने का काम उनको दिया है और वो लड़ेंगे। इसलिए जो सेनाएं होती हैं जब तक पैसा मिलेगा तब तक लड़ेंगी, जब पैसा मिलना बंद हो जाएगा वो नहीं लड़ेंगी। ये पूरी दुनिया की सेनाओं का काम है, पर किसी देश के लोग जो सेना नहीं है और वो सारे के सारे लड़े आके, उससे कौन जीतेगा? क्योंकि सेनाएं तो बहुत कम होती हैं, सेनाएं तो किसी गांव से एक सैनिक जाता है, किसी बड़े शहर से 10 सैनिक जाते हैं, पर शहर में तो लाखों लोग होते हैं, गांव में तो हजारों लोग होते हैं, तो कहां हजारों लोग और कहां एक सिपाही। इसलिए जहां पूरा देश खड़ा हो जाता है, जहां पूरा देश लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जहां पूरा देश सन्निपात बाहुल करता है, उससे कौन जीतेगा? राजा हर बार हारता है, राजा को समझ में आ गया भाई इनसे नहीं जीत सकता, पर राजा को जिद थी जीत जीतने की, इसलिए वो कहता है कि मैं जीतूंगा। वो जो सात अपरिहार्य नियम थे वो उनको तोड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है। वो अपनी औरतों की इज्जत करते हैं, उनको नशा देता है, उनको जुआ सिखाता है,
उनको वहां अय्याशी सिखाता है, वो अपनी औरतों की इज्जत भूल जाते हैं, वो अपनी बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, वहां वो चोरी चकारी सिखाते हैं, नशा सिखाते हैं, लोग बुजुर्गों की इज्जत करनी बंद कर देते हैं नशे में, वहां उनमें झगड़े शुरू हो जाते हैं, वहां वो फ्री का खाना, फ्री की सेवा, फ्री का चीजें भेजता है, उससे लोगों में चोरी चकारी व्यभिचार आ जाता है, उनमें भाईचारा खत्म हो जाता है, छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है। और ये सारे व्यसन जब वो राजा वहां प्लेस कर देता है, स्थापित कर देता है, उसके बाद वो एक छोटी सी सेना भेजता है और जीत जाता है, क्योंकि फिर वो इकट्ठे होके लड़ने के लिए नहीं आते, फिर उनमें आपस में दुश्मनियां हो चुकी हैं, मतभेद हो चुके हैं, और वो मतभेद के कारण ही वो हारते हैं। ठीक ऐसे ही मतभेद और मनभेद समण लोगों के आजकल चल रहे हैं। 29,000 संगठन काम करते हैं, 29 लाख संगठन काम करते हैं, लड़कों के दलबल के ब्रिगेडियर सेना आर्मी के अलग, सरकारी कर्मचारियों के अलग, और एक एक डिपार्टमेंट में कई कई संगठन उनके अलग अलग और एक दूसरे के दुश्मन। लड़कों के दलबल के जितने भी संगठन हैं सब एक दूसरे के दुश्मन। सामाजिक संगठनों के लाखों संगठन चल रहे हैं, पर लाखों संगठन अलग अलग, बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन। राजनीति में तो खुला युद्ध चलता है, राजनीति में समणों के हजारों पार्टियां हैं, पर सब एक दूसरे के दुश्मन। धार्मिक क्षेत्र में भी कहीं कोई अच्छी बात नहीं हो रही है। जो धार्मिक मतों के लोग हैं वो सारे मतों के लोग अलग अलग हैं, और अगर एक मत के भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे मत चलते हैं, जो धर्म के मत चलते हैं या गुरुओं के मत चलते हैं, वो तो आपस में उलझे हुए हैं ही, पर अगर एक मत भी लगा लो, जैसे बुद्ध का मत है, तो उसके भी सारे भिक्खु अलग अलग, उसके भी मठ अलग अलग। ये सारे के सारे जितने भी टुकड़े हैं, इसलिए इनको हराने के लिए किसी को सेना भेजने की आवश्यकता नहीं है, इनको तो सिर्फ फूंक मार दो, ये उसी में हिल जाते हैं, उसी में खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 29 लाख टुकड़ों में बटे हुए लोग हैं, ये क्या जीतेंगे और क्या लड़ेंगे, क्योंकि अभी जो लड़ाई है वो संख्या बल की है, अभी जो लड़ाई है वो सन्निपात बहुल की है। अब संविधान ये कहता है कि जिसके पास जितना ज्यादा सन्निपात बहुल होगा वो जीतेगा, और जिसके पास सन्निपात बहुल नहीं होगा वो ऐसे ही मरेगा, जैसे जंगल में एक शेर कूदता फांदता घूमता रहे और जो शिकारी कुत्ते होते हैं उनका झुंड या लगड़बग्गों का झुंड उसको खा जाता है या उसको फाड़ देता है। बेशक शेर है पर अकेला है, तो अकेले शेर को कोई नहीं पूछता। वैसे ही हमारे संगठनों का होंगे सारे शेर, पर इनकी सबकी मौत निश्चित है, ये सारे मारे जाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं। अगर ये इकट्ठे भी हो जाएं तो भी काम चल सकता है। इसलिए सन्निपात बाहुल हमको अपने खून में रचा बसा लेना चाहिए, और सन्निपात बाहुल को लगातार 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 हर शनिवार को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सन्निपात बाहुल है ये हमारा ग्रेट दिन है। हम हथियार रखते थे तो हथियार हमारा कोई हमसे हटा नहीं सकता। आज भी जो भारतीय संविधान है उसके अंदर भी एक डंडा रखने की अनुमति है, उसके अंदर भी डंडे रखने का प्रावधान है, उस डंडे की लंबाई है, उस डंडे को 24 घंटे आप अपने साथ रख सकते हो। जो सिख हैं उनको चाकू रखने की अपने साथ अनुमति है, और अभी एक कंट्री के अंदर मैंने आज न्यूज पढ़ी थी कि वहां बच्चे जो पढ़ते थे उनको कृपाण के साथ में, चाकू के साथ में क्लासरूम में एंटर नहीं होने देते थे, पर वहां वो पास हो गया, शायद ऑस्ट्रेलिया है। तो सिख मजहब के लोग कहीं भी जाते हैं ये उनके मजहब में, ये उनके रूल में है, उनके सोशल रूल में है, उनके रिलीजियस रूल में है कि वो अपने हथियार को साथ रखेंगे। और जो उनके प्रीचर हैं, जो उनके प्रचारक हैं, जो निहंग जिनको बोलते हैं, वो तो लंबी लंबी तलवारें रखते हैं साथ में। पर ये परंपरा बुद्ध ने आरंभ की जब 11 प्रकार के सत्तक दंड अपने भिक्कुओं के लिए अलाउ किए, पर भिक्कू पढ़ते नहीं, भिक्कू लिखते नहीं, भिक्कू समझते नहीं। अरे जो बुद्ध ने आपको सत्तक दंड दिया है, आप बुद्ध की बात को मना कैसे कर सकते हो? उनका सत्तक दंड किसी और ने ले लिया और वो बिना दंड के घूमते रहते हैं।